तो ये है किया सोनेट का HTK वेरिएंट, यानी कि आपको ये मिल जाता है सेकंड वेरिएंट, और ये यहाँ पे ऑफर कर गए 1.2 पेट्रोल मैनुअल और 1.5 डीजल मैनुअल के साथ। ये आप इसकी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है चार कलर ऑप्शन जो है क्लियर वाइट, इंटेंस रेड, ग्रेविटी ग्रे एंड स्टील सिल्वर कलर। वाइट एंड ग्रे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कलर ऑप्शन है किया के लाइनअप में। और फ्रंट चेक करेंगे तो आपको मिल जाता है किया का ऑल न्यू लोगो, बिग साइज बोनट और शार्प कट्स एंड क्रीसेस। और यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प्स, यहाँ पे आपको लो बीम एंड हाई बीम मिल जाती है बेसिकली हेलोजन में। और ये आपको मिल जाता है विद फॉलोमियम हेडलैम्प फंक्शन। फॉगलैम्प इस वेरिएंट में ऑफर नहीं करेगा, वो इंस्टॉल हो जाएंगे अराउंड 3500 के, बेसिकली प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स जो कि हायर ट्रिम्स में ऑफर करेगा सोनेट के। यहाँ पे कुछ ऐसी आपको ब्लैक फ्रंट ग्रिल दी गई है, एंड यहाँ पे सिल्वर फिनिश, और यहाँ पे डायमंड पैटर्न, बिग साइज़ के यहाँ पे स्किड प्लेट्स। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस अवेलेबल है। और ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे साइड प्रोफाइल, तो सोनेट की लेंथ 3995 mm, विड्थ आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 1790 mm, हाइट है 1625 mm इस वेरिएंट के लिए, व्हील बेस है 2500 mm, बाकी डायमेंशन भी आप चेक कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। और यहाँ पे दी गई व्हील आर्च क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको मिल जाते हैं यहाँ पे विंग मिरर्स, और टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फ्रंट फेंडर पे। कुछ ऐसे आपको मिल जाते हैं हमें मेटेलिक स्टाइल्ड स्टील व्हील्स 16 inches के, 215/60 R16। और फ्रंट में दी गई डिस्क ब्रेक, रियर में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स, ए पिलर आपको मिल जाता है बॉडी कलर्ड, बी पिलर ब्लैक्ड आउट, और यहाँ पे ब्लैक फिनिश विंडो बेल्ट लाइन पे, एंड यहाँ पे रियर क्वार्टर ग्लास, यहाँ पे रूफ रेल्स ऑफर नहीं करी गई, साथ में माइक्रो रूफ एंटेना। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्टाइलिंग दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश में, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम टच ऐड करती है इसको। साथ में आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे रियर प्रोफाइल, तो किया सोनेट की यहाँ पे एवरेज मंथली सेल है 8000 यूनिट्स पर मंथ, ये अपने सेगमेंट की फोर्थ बेस्ट सेलिंग SUV है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी रियर प्रोफाइल, बेस्ट इन क्लास, यहाँ पे आपको माइलेज मिल जाती है डीजल में। और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर या फिर डिफॉगर यहाँ पे ऑफर नहीं करा गया। हार्ट बीट आपको टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप डिटेलिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको LED नहीं दिए गए, नॉर्मल हेलोजन दिए गए। ये है रिफ्लेक्टर, यहाँ पे किया की ब्रांडिंग, सोनेट की बैजिंग, ट्विन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर, साथ में बिग साइज ब्लैक बम्पर एंड सिल्वर स्किड प्लेट, ट्विन पार्किंग सेंसर, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनिंग दी गई है, ट्विन यहाँ पे हेलोजन लाइट्स, ग्रैब हैंडल, और 392 liters का मैसिव बूट एरिया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाइट मिल जाती है, यहाँ पे फर्स्ट एड किट एंड अदर किट, लगेज हुक आपको मिल जाता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे लगेज लैम्प की स्पेस, यहाँ पे रियर पार्सल ट्रे नहीं अवेलेबल है। और इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है स्पेयर टायर, साइज़ इसका यहाँ पे मेंशनड है 195/65 R15, यानी कि स्पेस सेवर दिया गया इस वेरिएंट के अकॉर्डिंग, जिसमें अवेलेबल है यहाँ पे बेसिकली R16 व्हील्स। और अगर बात करें यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे जो सेफ्टी फीचर्स ऑफर करे गए हैं वो है डुअल फ्रंट एयरबैग, ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, सेंटर डोर लॉकिंग, स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटोमेटिक डोर अनलॉक, साथ में यहाँ पे अवेलेबल है फॉलोमियम हेडलैम्प्स एंड इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। तो ये सारे यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स ऑफर करे गए हैं। और ये आप अगेन चेक कर सकते हैं यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल, और यहाँ पे दी गई 3 years एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, 5 years तक ये इजीली एक्सटेंड हो जाएगी। और साथ में आपको मिल जाता है 3 years का फ्री रोड साइड असिस्टेंस, 3 years की आपको मिल जाती है UVO सब्सक्रिप्शन। तो बात कर लेते हैं फाइनली इंजन ऑप्शन के बारे में, देन हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड रो का स्पेस एंड कम्फर्ट कैसा है। तो सिंस ये किया सोनेट का पेट्रोल वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको साउंड डेंटिंग मटेरियल्स का यूज़ देखें और नहीं मिलता। वैसे ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड आपको इंजन मिल जाता है हुंडई एंड किया के लाइनअप में। अंडरबॉडी इंजन गार्ड यहाँ पे ऑफर करा गया है, तो कंप्लीट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इंजन की लिस्ट। तो पहला इंजन यहाँ पे आपको दिया गया 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन, लेकिन वो इस वेरिएंट में ऑफर नहीं करा गया। वेन्यू और सोनेट आपको ऑफर करती है बिल्कुल सेम इंजन, और जो इंजन यहाँ पे ऑफर कर गया है वो है 1.2 liter MPa पेट्रोल इंजन, 82 bhp पावर और 115 Nm का टॉर्क,
ये ऑफर करा गया सिर्फ और सिर्फ 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स के साथ, और क्लेम्ड आपको BS6 माइलेज दी गई 18.4 km/L, और डीजल इंजन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इट्स माइलेज। 24.1 km/L आपको मिल जाती है 6-speed मैनुअल के साथ, जो कि इसमें ऑफर करा गया है। 99 bhp एंड 240 nm, ऑटोमेटिक में पावर ज़्यादा दी गई है जो है 113 bhp एंड 250 nm। तो अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे इंटीरियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे रियर सीट का स्पेस एंड कंफर्ट। तो ये है रियर डोर की लुक, ऑल ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे पावर विंडो, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल्स, ट्विटर्स की स्पेस, यहाँ पे स्पीकर, बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट एंड यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश। चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक आपको मिल जाता है। ड्राइवर साइड सीट बैक पॉकेट ऑफर नहीं करेगी, और को ड्राइवर साइड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फुल साइज सीट बैक पॉकेट, यानी अपर एंड लोअर सीट बैक पॉकेट। ट्विन आपको मिल जाते हैं AC वेंट विद सिल्वर फिनिश। यहाँ पे डायमंड पैटर्न, USB इल्यूमिनेटेड पोर्ट, स्मार्टफोन होल्डर, स्लाइड से हम आपको मिल जाते हैं यहाँ पे सेंटर में। और ये रियर सीट्स की लुक, जिसमें आपको मिल जाते हैं ट्विन इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट, जो इन एंड आउट है सिंस SUV है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, अराउंड 5000 उसी कॉस्ट रहेगी। एंड कुछ आपको ऐसा व्यू मिलेगा विंडो से, ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर स्पेस, यहाँ पे सिंगल ग्रैब हैंडल, वहाँ पे एक और ग्रैब हैंडल, और यह थिएटर डिमिंग हेलोजन कैबिन लाइट। और ये आप चेक कर सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू, जिसके अभी हम फीचर्स चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं दो रिमोट कीज़, बेसिकली आपको दो रिमोट फोल्डेबल कीज़ दी गई, लॉक अनलॉक एंड टेलगेट ओपन स्विच। लॉक करेंगे तो सिंगल बीप, अनलॉक करेंगे तो डबल बीप। कुछ ऐसे आपको मिल जाते हैं सोनेट के HTK वेरिएंट में इंटीरियर्स, और फ्रंट डोर आपको मिल जाता है बेसिकली ऑल ब्लैक। यहाँ पे सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, डायमंड पैटर्न दिया गया है, और आपको मिल जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, सेंट्रल लॉकिंग कंट्रोल्स। HTE वेरिएंट में आपको मिल जाते थे दो पावर विंडोज़, लेकिन यहाँ पे दी गई ऑल फोर पावर विंडोज़, और जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है वो आपको मिल जाती है विद बैकलाइट इल्यूमिनेशन। यहाँ पे आपको ऑटो फंक्शन ऑफर नहीं करा गया। यहाँ पे अगेन प्लास्टिक फिनिश में आर्मरेस्ट, स्पीकर्स, बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट एंड अम्ब्रेला होल्डर। यहाँ से वो ओपन कर सकते हैं बोनट को, एंड बोनट ओपन वार्निंग भी इवन डिस्प्ले होती है MID स्क्रीन में। अगर आप बोनट ओपन करें, टेलगेट ओपन करें, कोई भी डोर ओपन करें तो आपको एग्जैक्ट बताते हैं कौन सा डोर ओपन है या फिर टेलगेट बोनट ओपन है। यहाँ पे अगेन सिल्वर फिनिश, डायमंड पैटर्न एंड यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश। हेडलैम्प लेवलर स्विच दिया गया, इसमें भी आपको मिल जाती है बैकलाइट इल्यूमिनेशन। और यहाँ पे क्लच फुटरेस्ट दिया गया, ब्लैक कलर की कारपेटिंग। यहाँ से ओपन कर सकते हैं फ्यूल टैंक को, और अपर हाफ यहाँ पे आपको मिल जाता है बेसिकली लाइट ग्रे कलर में। और ये है फ्रंट सीट्स के लुक, फ्रंट सीट्स आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाता है, और साइड में यहाँ पे लेदर दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेदर है, एंड सेंटर में आपको मिल जाता है फैब्रिक। तो ये दिए गई आपको सेमी लेदर राइट सीट्स, ये आपको साइड सपोर्ट काफ़ी बढ़िया ऑफर करती है। मैनुअल आपको दी गई यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट। तो बाकी फीचर्स भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फ्रंट सीट्स का बेस्ट पार्ट आपको यहाँ मिल जाता है साइड सपोर्ट, काफ़ी बढ़िया तरीके से होल्ड करके रखती हैं। और ये आप चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाते हैं यहाँ पे राउंडेड स्टीयरिंग की अगर न्यू लोगो, एयरबैग की ब्रांडिंग, टोटल दिए गए यहाँ पे 2 airbags, सिल्वर फिनिश। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, पियानो ब्लैक फिनिश, एंड यहाँ पे काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे मटेरियल यूज़ करा गया है। यहाँ पे MID कंट्रोल्स। यहाँ पे आप एडजस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है टिल्ट एडजस्टमेंट, साथ में यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं हेडलैम्प के कंट्रोल्स। और ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको 8000 RPM तक डिस्प्ले कर रही है, यानी ये है पेट्रोल वेरिएंट, 3.5 inch की MID जो इवन डिस्प्ले कर रही है यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले। यहाँ से हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं। फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डुअल ट्रिप मीटर, और यहाँ पे आपको शो कर रहा है इंजन रनिंग टाइम, साथ में डिस्टेंस टू MTBE शो कर रहा है, एंड यहाँ पे अदर सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपको लाइट की सेटिंग मिल जाती है, इंटीरियर की इल्यूमिनेशन को आप इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं यहीं से, वन टच टर्न इंडिकेटर जो आपको मिल जाता है यहाँ पे, उसके आप फ्लैशेस को सेट कर सकते हैं, हेडलैम्प डिले यानी कि फॉलो मी हेडलैम्प फंक्शन। एंड यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर मिल जाता है, स्पीड सेंसिटिव ऑटोमेटिक डोर लॉक, और यह है इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटोमेटिक डोर अनलॉक, इसकी भी आप कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। कन्वीनियंस सेटिंग में जैसे हम यहाँ पे वाइपर या लाइट का मोड यहाँ पे चेंज करें तो वो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो या फिर ना हो, उसको भी आप इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। IC रोड वार्निंग को भी आप टिक एंड अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विस इंटरवल,
एनेबल एंड देन यहाँ पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कितने किलोमीटर्स पे आपको करवानी सर्विस। अदर फीचर में यहाँ पे आप फ्यूल इकोनॉमी ऑटो रीसेट, फ्यूल इकोनॉमी का यूनिट एंड टेम्परेचर का यूनिट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेजेस भी आपको मिल जाती है टोटल यहाँ पे 2। कुछ ऐसे यहाँ पे आपको मिल जाता है ORVM से व्यू, जब आप ड्राइव करेंगे तो ऐसा व्यू मिलेगा। जब बोनेट यहाँ पे विजिबल रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा ईजी आपकी ड्राइविंग हो जाती है। ड्राइवर साइड सनवाइजर पे टिकट होल्डर स्पेस, ये फीचर आपको HTE वेरिएंट में ऑफर नहीं करा गया। डे एंड नाइट आपको मिल जाता है एडजस्टेबल IRVM और यहाँ पे फ्रंट टू कैबिन लैंप्स हेलोजन में, साथ में आपको मिल जाता है सनग्लास होल्डर। अगेन ये आपको फीचर HTE वेरिएंट में नहीं दिया गया, HTK वेरिएंट में आपको मिल जाता है जो कि ये वाला वेरिएंट है। और को ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको बिग साइज वैनिटी मिरर, फ्रंट आपको मिल जाती है यहाँ पे आर्मरेस्ट विद डीप स्टोरेज स्पेस, पियानो ब्लैक फिनिश, ट्विन कप होल्डर स्पेस, यहाँ पे की रखने की स्पेस, 5-speed का मैनुअल गियरबॉक्स और यहाँ पे कंप्लीट आपको मिल जाती है सिल्वर फिनिश, यहाँ पे भी अगेन डायमंड पैटर्न। अगर हम यहाँ पे लगाए रिवर्स गियर तो रियर पार्किंग सेंसर्स का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे दिए गए टोटल 2 रियर पार्किंग सेंसर्स, कुछ स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे कुछ और स्टोरेज एरिया 2 आपको मिल जाते हैं बेसिकली। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड पोर्ट और 12-volt का पावर सॉकेट और यहाँ पे दिया गया मैनुअल एसी विद हीटर, काफ़ी बढ़िया इसमें आपको फ्लो मिल जाता है। यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से एसी को टर्न ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं एंड विद इन ये सेकेंड्स कैबिन को पूरा कूल कर देगा। और यह है बेसिकली 2-in का इन्फोटेनमेंट सिस्टम, USB रेडियो, ब्लूटूथ, साथ में आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 4 स्पीकर्स, साथ में UVO लाइट, यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाती है तो साउंड की सेटिंग, और यहाँ पे ब्लूटूथ रिमोट लॉक, डेट एंड टाइम, यहाँ पे आपको बेसिक सेटिंग दिखी है, यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है लैंग्वेजेस, तो ये सारे आपको मिल जाते हैं फीचर। ग्लव बॉक्स आपको डिसेंट साइज मिल जाता है, कूलिंग फंक्शन या फिर इल्यूमिनेशन यहाँ पे ऑफर नहीं करेगी किसी भी वेरिएंट में। तो ये था किया सोनेट का HTK वेरिएंट। आपका कौन सा फेवरेट है किया सोनेट का वेरिएंट एंड आप किया सोनेट HTK बाय करेंगे या फिर वेन्यू एस या फिर कोई और वेरिएंट, वो आप बताएं कमेंट सेक्शन में।